गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हो? सेम, मैं भी लॉकडाउन एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अपनी मदर्स को सब बहुत ट्रबल कर रहे हैं, तो डैट्स वाई मैंने सोचा कि आज एक एक्टिविटी की जाए. कौन सी एक्टिविटी की जाए? सीड जर्मिनेशन. एंड आप बताएंगे कि सीड जर्मिनेशन क्या होता है? सीड जर्मिनेशन होता है कि एक स्मॉल सीड जो वो एक प्लांट की फॉर्म लेता है इस टाइप से, तो उसको हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन. लेकिन ये सीड जर्मिनेशन होता कैसे? ऐसे तो नहीं सीड एकदम से प्लांट बन जाता, उसका एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को हम बताएंगे कि कैसे किया जाता है वो प्रोसेस. पहले मुझे आप लोग बताओ कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट ए प्लांट? वी गेट प्लांट फ्रॉम सीड्स. कोई भी प्लांट हमें एक सीड से मिलता है और उस सीड के अंदर एक स्मॉल बेबी प्लांट होता है. एंड व्हाट डज प्लांट गिव अस? प्लांट गिव अस फूड एंड ऑक्सीजन. एंड लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस सीड जर्मिनेशन. आपने क्या करना है कि एक सीड लेना है. जैसे मेरे पास ये राजमा का सीड है, आप कोई भी सीड ले सकते हो. और अगर आपके पास गार्डन है तो अपने गार्डन में कीजिए, नहीं तो अपने मम्मा से एक स्मॉल पॉट लीजिए और पॉट में सैंड डालिए और सॉइल डालिए और उसमें ये प्रोसेस कीजिए. पहले हम क्या करेंगे कि एक सीड लेंगे, उसको सॉइल के अंदर डालेंगे, सी लाइक दिस. एंड प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए? प्लांट को ग्रो करने के लिए सनलाइट चाहिए, उसको वाटर चाहिए, उसको एयर चाहिए एंड उसको एक अच्छी सी सॉइल चाहिए. तो जो आपकी सॉइल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए बच्चों. उस सॉइल के अंदर आप सीड डालेंगे एंड उसको टाइमली वाटर करेंगे. अगर आप वो अपने किसी उसमें डाल रहे हैं, पॉट में डाल रहे हैं, अर्थन पॉट में डाल रहे हैं, तो आप उसको घर के अंदर भी रख सकते हैं, बट मॉर्निंग एंड इवनिंग में प्लीज़ उसको बाहर रखिए, बिकॉज उसको फ्रेश एयर चाहिए. एंड विद इन फ्यू डेज आप देखेंगे कि आपका प्लांट एक स्मॉल से टैनी लीव में कन्वर्ट हो रहा है. दैट मीन्स कि जो आपकी सीड है डेट बर्स्ट हो गई, सीड ने ग्रो किया है. एंड उसके साथ साथ उसके डाउन में सॉइल के अंदर रूट्स फॉर्म हो रही हैं. रूट्स क्या होते हैं? प्लांट के जड़. क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को खड़े करने के लिए रूट्स चाहिए एंड रूट्स शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर प्लांट के रूट्स अच्छे होंगे तभी आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा. एंड विद टाइम जब आप अपने प्लांट को टाइमली पानी दे रहे हैं, उसको फ्रेश एयर मिल रही है एंड उसकी सॉइल अच्छी है, तो आपका जो प्लांट है वो धीरे धीरे ग्रो करके एक स्मॉल लीफ, उसके जो बर्ड्स हैं वो स्मॉल लीफ देंगे. एंड विद टाइम जो आपकी प्लांट की स्टेम है उसमें स्मॉल स्मॉल लीव्स आ जाएंगे. एंड उसके बाद आप एक दिन नोटिस करेंगे कि जो बड है प्लांट का उसमें फ्लावर निकल आया. दैट मीन्स योर प्लांट इज ग्रोइंग एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन प्रोसेस. एंड आई होप कि बच्चों आप लोग ये प्रोसेस अपने घर में करोगे, किसी भी उसमें मग में कर सकते हो, बिकॉज प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. प्लांट गिव अस ऑक्सीजन एंड हमारी एयर को भी वो प्यूरीफाई करते हैं. प्लीज डू दिस प्रोसेस एंड अपनी मदर्स को डिस्टर्ब मत करो. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.